हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट टू। टुडे आवर टॉपिक इज गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स फॉर एल्डरली। ओके, बीए पार्ट टू सोशियोलॉजी। तो आज का हमारा टॉपिक है वृद्धों के लिए कार्यक्रम एवं सरकारी नीति। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, वृद्धों के लिए कार्यक्रम एवं सरकारी नीति। आज संपूर्ण विश्व में वृद्ध जनों की समस्याओं के प्रति एक नई जागरूकता पैदा हुई है। ओके, परिवर्तन के युग में वृद्धजनों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सबसे पहले सन 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने वृद्धावस्था अधिकार पर एक घोषणा पत्र जारी किया तथा इस पर विस्तार पूर्वक विचार किया। इसी घोषणा पत्र के आधार पर सन 1982 में वृद्धजनों के लिए वियना में होने वाले अधिवेशन में एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया। ओके, इस कार्यक्रम में इस बात पर बल दिया गया कि वृद्ध जनों को आर्थिक सहायता देने के साथ ही उन्हें सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वृद्धजनों के रोगों से संबंधित चिकित्सीय सुविधाएं दी जाए। सामाजिक गतिविधियों में वृद्ध पुरुषों और महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई जाए तथा उनके आवास और पर्यावरण संबंधी सुविधाओं में सुधार किया जाए। यह घोषणा पत्र बहुत अधिक सैद्धांतिक था, इस कारण इस क्षेत्र में कोई व्यवहारिक प्रगति नहीं हो सकी। वृद्धजनों के प्रति सभी देशों में जागरूकता पैदा होने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1999 को वृद्ध लोगों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ग घोषित किया गया। इसके द्वारा विभिन्न देशों से यह अपेक्षा की गई कि वे ऐसे व्यवहारिक कार्यक्रम तैयार करें जिनके द्वारा वृद्धजनों की समस्याओं का समाधान किया जा सके। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव के अनुसार भारत में सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा नवंबर 1992 में वृद्ध लोगों को सहायता देने का एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया। इसके अतिरिक्त वृद्धावस्था गृह स्थापित करने वाले वृद्धजनों को सुविधाएं प्रदान करने वाले तथा वृद्धों के लिए सचल चिकित्सालय बनाने वाले ऐच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना शुरू कर दिया गया। सन 1998-99 में इस कार्यक्रम का नाम वृद्ध लोगों का संबंधित कार्यक्रम इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्डर पर्संस कर दिया गया। इसके अनुसार वृद्ध लोगों को दी जाने वाली सभी तरह की सेवाओं के लिए ऐच्छिक संगठनों के व्यय का 90% भाग सरकार वहन करती है, जबकि 10% हिस्सा ऐच्छिक संगठनों को अपने द्वारा जुटाना पड़ता है। यदि वृद्धों को दी जाने वाली सुविधाएं नेहरू युवा केंद्र अथवा महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस द्वारा संचालित होती है तो उनका पूरा व्यय सरकार द्वारा उठाया जाता है। ओके, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा स्वयं ही इस तरह के कार्यक्रम आयोजित
इस समय इस कार्यक्रम के अंतर्गत वृद्धजन देखरेख केंद्र तथा सचल चिकित्सालय स्थापित किए जा चुके हैं। वर्तमान में वृद्धजनों के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों को निम्नलिखित भागों में विभाजित करके समझा जा सकता है। ओके, नंबर है वन है वृद्धावस्था गृह, ओल्ड एज होम्स। ओके, क्या है? ओल्ड एज होम्स। और नेक्स्ट मोबाइल मेडिकेयर सर्विस, सचल चिकित्सकीय सेवाएं। एंड नेक्स्ट क्या है? वृद्धजन देखरेख केंद्र, डे केयर सेंटर्स फॉर एज्ड। ओके, नेक्स्ट अन्य सुविधाएं, अदर फैसिलिटीज और गैर संस्थात्मक सेवाएं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस। ओके, नंबर वन है आपका वृद्धावस्था गृह। यह एक ऐसी आवासीय इकाई है जिसमें 60 वर्ष या उससे अधिक 25% निर्धन और निराश्रित वृद्धों को रखा जाता है। यह वृद्धजनों को शारीरिक और मानसिक सुरक्षा देने के साथ ही प्रशिक्षित सामाजिक कर्ताओं द्वारा उनके स्वास्थ्य की भी परीक्षा की जाती है। ओके, अब नेक्स्ट है वृद्धजन देखरेख केंद्र। ऐच्छिक संगठनों के द्वारा ऐसे गृहों की स्थापना की गई जिनमें वृद्धजन सुबह से शाम तक अपना समय बिताते हैं और रात को अपने घर जाते हैं। एक केंद्र में नगरीय, ग्रामीण, जनजातीय अथवा गंदी बस्तियों के कम से कम 50% वृद्धों का पंजीकरण होना अनिवार्य है। यह केंद्र भी 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के वृद्धों की देखरेख करते हैं। उन्हें दोनों समय का भोजन दिया जाता है। इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य वृद्धों को अपने परिवार से संबंधित रखते हुए उनकी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करना है। नेक्स्ट है सचल चिकित्सक सेवाएं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन ऐच्छिक संगठनों को विभिन्न वर्गों के वृद्धजनों के लिए चिकित्सा की सुविधाएं देने का अनुभव और योग्यताएं होती हैं, उन्हें सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है गैर संस्थात्मक नॉन इंस्टीट्यूशनल सर्विस। ये वह कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया जाता है जो वृद्ध लोगों के लिए कानूनी परामर्श, पेंशन प्राप्त करने में सहायता करते हैं और चश्मों का वितरण, कान में लगाने वाले यंत्र की सुविधा, आवश्यकता होने पर बैंक से उनका पैसा लाने, जमा करने जैसे कार्य कर सकें। नेक्स्ट है अन्य सुविधाएं, अदर फैसिलिटी। सरकार द्वारा अनेक दूसरी संस्थाओं द्वारा वृद्धजनों को विभिन्न प्रकार की सुविधा देने के लिए भी व्यापक प्रयत्न किए गए। ओके, अब वो व्यापक प्रयत्न कौन कौन से हैं? जैसे वृद्धावस्था पेंशन योजना शुरू करी गई। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में 100 रुपये मासिक से लेकर 300 रुपये मासिक तक पेंशन दी जाती थी जिससे वृद्ध लोग अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नेक्स्ट है अन्नपूर्णा योजना। इसके अंतर्गत नगरों और गांव में निराश्रित वृद्धों को प्रति महीने 10 किलो अनाज दिया जाता था। यही सुविधा उन वृद्धों को मिलती थी जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन लाभ नहीं मिल पा रहा था। नेक्स्ट है आयकर में विशेष कर छूट। जिन वृद्धों की 60 वर्ष आयु है या उनसे ज़्यादा थी तो उन्हें 2012 से आयकर में विशेष छूट दी जाती थी। और नेक्स्ट है रेल किराए में क्रमशः 50% और 30% छूट देने का प्रावधान। इन सभी प्रयत्नों का उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक समस्याओं का समाधान कराना, मतलब उनके लिए जो आर्थिक समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं वृद्ध लोग, तो उन आर्थिक समस्याओं का उन्हें सामना न करना पड़े, उनके प्रति एक सम्मानपूर्ण दृष्टिकोण को विकसित करना। ओके,
नगरीय तथा ग्रामीण परिवारों में 60 वर्ष से अधिक वृद्धों पर किए गए एक अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि विभिन्न आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक तिरस्कार के बाद भी आज 73% अधिक 73% से भी ज़्यादा वृद्धजनों को अपने परिवार में गहरा लगाव होता है। पुत्रों और परिवारों के दूसरे सदस्यों द्वारा किए जाने वाले शोषण के बाद भी वे स्वयं उनके वृद्ध नहीं हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि युवा पीढ़ी में यदि परिवार के वृद्ध सदस्यों के प्रति थोड़ी सी भी सहानुभूति पैदा की जा सकती है तो भारतीय समाज में सामाजिक परिवार संरचना कहीं अधिक संतुलित बन सकती है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि दुनिया के सभी दूसरे समाजों की तुलना में भारतीय परिवार आज भी कहीं अधिक संगठित और व्यवस्थित है। वृद्धावस्था को एक सम्मानपूर्ण स्थान देकर हम अपने पारिवारिक जीवन को और भी अधिक सुंदर और सुखद बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, विकास संबंधी समस्याएं, विकास से उत्पन्न विस्थापन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।